Saksham, did you appear for the test of chapter vectors? सर आ जाए नहीं, पहले हुआ है। सर। नहीं मेरे को तो पता नहीं है। So if you all have not attempted that test paper, then please try to attempt those test papers after getting it from the concerned person. And I will then start the next chapter, which is three-dimensional geometry. ओके सर। तो बेसिकली थ्री डायमेंशन ज्योमेट्री में कुछ चीजें तो वैसे ही हैं जो हमने टू डायमेंशन ज्योमेट्री में पढ़ी है, जैसे सेक्शन फॉर्मूला है, डिस्टेंस फॉर्मूला है। व्हाट इज द डिस्टेंस फॉर्मूला? बेसिकली इफ वी टेक अ पॉइंट एक्स वन वाई वन जेड वन, पहले क्या होता था, बस एक्स वन वाई वन लेते थे टू डायमेंशन ज्योमेट्री में, हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं। थ्री डायमेंशन ज्योमेट्री में जेड एक्सिस भी होता है, तो जेड एक्स टू वाई टू जेड टू दूसरा पॉइंट है, तो दोनों के बीच का जब डिस्टेंस हम निकालते हैं तो हाउ डू वी गेट इट, एक्स वन माइनस एक्स टू का होल स्क्वायर प्लस वाई वन माइनस वाई टू का होल स्क्वायर प्लस जेड वन माइनस जेड टू का होल स्क्वायर। यू कैन कंसिडर दैट देर इज अ क्यूबॉइड, अपना रूम रूम देख रहे हो, रूम इज ऑल्सो क्यूबॉइड, तो इस रूम के एक कॉर्नर से डायगनली अपोजिट कॉर्नर तक जो लाइन जाएगी दैट इज एक्चुअली दिस लेंथ। डिस्टेंस फॉर्मूला इसके लिए हो गया। फिर वैसे ही सेक्शन फॉर्मूला भी होता है, तो जैसे एक्स और वाई के लिए होता था वैसे जेड के लिए भी सेक्शन फॉर्मूला लगेगा। तो ये सब तो बताने की जरूरत नहीं है, बता दूं। ये पॉइंट है एक्स वन वाई वन जेड वन, ये पॉइंट है एक्स टू वाई टू जेड टू, and there is a point which is dividing it in the ratio m is to n, this is c point. So c point का जो coordinate होगा वो कैसे निकलेगा, उसके लिए हम क्या करेंगे, m x2 plus n x1 upon m plus n। वैसे y के लिए क्या करेंगे, m y2 plus n y1 by m plus n। z के लिए क्या करेंगे, m z2 प्लस एन जेड वन बाई एम प्लस एन। इज इट ओके? यस सर। और वैसे ही अगर एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा होता था तो माइनस साइन ले लेते थे, ऊपर में भी और नीचे में भी। दिस इज द इंटरनल डिवीजन, एक्सटर्नल डिवीजन में माइनस साइन ले लेंगे। और अगर मिड पॉइंट का स्पेशल थ्योरम होगा तो एम को भी वन लेंगे, एन को भी वन लेंगे। इज इट सो? यस। So these all formula I think you know, you need not to write them. अब जो एक important topic हमें three dimension geometry में पढ़नी है, जो हमने 11th में भी introduction to three dimension वाले chapter में पढ़ी थी, so that particular topic is basically if you take a line, any line in a three-dimensional space, then it makes some angle with the x-axis, some angle with y-axis, some angle with z-axis. ये plane पे बना रहे हैं, लेकिन इसको visualize करना है कि this is a three-dimensional figure. ठीक है, x-axis is coming out of the plane of this board. So ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की है वो लाइन सबके साथ कुछ ना कुछ एंगल बना रही होगी, एक्स एक्सिस के साथ, वाई एक्सिस के साथ, जेड एक्सिस के साथ। मान लो कि ये एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही है, तो मैं क्या करता हूँ कि इसको इसके पैरेलल एक और लाइन ड्रॉ कर देता हूँ जो ओरिजिन से पास कर रही है। अब ये देखता हूँ कि ये एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही है, दिस एंगल इट इज अल्फा, y के साथ बीटा और z एक्सिस के साथ गामा। तो अल्फा बीटा गामा आर द एंगल्स व्हिच दिस लाइन इज मेकिंग विद द x एक्सिस y एक्सिस एंड z एक्सिस।
इन तीनों एंगल्स को हम कलेक्टिवली लिखते हैं, तो हम इनको कहते हैं डायरेक्शन एंगल्स ऑफ द लाइन। और अगर हमारे पास डायरेक्शन एंगल्स ऑफ द लाइन अल्फा बीटा गामा है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि 180 डिग्री माइनस अल्फा, 180 डिग्री माइनस बीटा, 180 डिग्री माइनस गामा आर ऑल्सो द डायरेक्शन एंगल्स ऑफ द लाइन। बिकॉज अगर तुम दूसरे साइड से मेजर करो, ठीक है, एक लाइन का क्या होता है, दो दो एंड होता है, एक ये वाला एंड होता है और एक ये वाला एंड होता है। तो मान लो तुम इसका किसी वाई एक्सिस से एंगल मेजर कर रहे हो, तो वाई एक्सिस से इसका एंगल बीटा आ रहा है, तो जो दूसरा एंड है उसका 180 डिग्री माइनस बीटा आएगा। तो बेसिकली हमारे पास बस एक सेट ऑफ डायरेक्शन एंगल्स नहीं होते हैं, दो सेट ऑफ डायरेक्शन एंगल्स होते हैं ऑफ अ लाइन। इज दिस क्लियर? यस सर। अब अगर हम इनका कॉस ले लेते हैं, एंड वी कॉल देम एज कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा, तो दीज आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइन्स। और जिस तरीके से डायरेक्शन एंगल्स का भी दो सेट होता है, वैसे डायरेक्शन कोसाइन्स का भी दो सेट होगा। तो इसका कॉस लेंगे तो माइनस कॉस अल्फा बन जाएगा, इसका माइनस कॉस बीटा, इसका माइनस कॉस गामा, तो माइनस कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा माइनस कॉस गामा इज ऑल्सो द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द सेम लाइन। ठीक है, तो एक ही सेट ऑफ डायरेक्शन कोसाइन नहीं होगा, दो सेट ऑफ डायरेक्शन कोसाइन होगा। अभी हम लोग किसी एक को लेके चल रहे हैं, लेकिन जो भी हम एक पे अप्लाई करेंगे वो दूसरे पे भी अप्लाई हो सकता है। तो कॉस अल्फा को हम कहते हैं जनरली एल, कॉस बीटा को एम कहते हैं और कॉस गामा को एन कहते हैं। एंड देयर इज अ रिलेशन बिटवीन एल एम एन दैट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू वन। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन के बीच में। आई वॉन्ट यू टू प्रूव इट, फर्स्ट ट्राई टू प्रूव इट, देन वी विल डिस्कस। I'll be back from the washroom in 5 minutes. So meanwhile, we try to prove this.
यस, सो हैव यू गॉट सक्सेस इन दिस प्रूफ और नॉट? यस एंड सक्षम? ओके, नो सर सो बेसिकली जैसे मैंने तुम्हें बताया था ना कि इसको ऐसा कंसिडर कर सकते हो कि देर इज अ क्यूबॉइड, राइट? क्यूबॉइड हम कैसे बनाएंगे? मान लो ये हमारे पास तरीके से एक रेक्टेंगल ले लिया और एक इस तरीके से रेक्टेंगल ले लिया जॉइंट पे, अब इस क्यूबॉइड में एक है हमारा ये अलोंग द लेंथ, ये अलोंग द ब्रेथ, ये अलोंग द हाइट। तो मान लेते हैं ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस, एंड दिस इज द ओरिजिन। तो बेसिकली अगर हम कोई भी पॉइंट लेते हैं, सपोज कर लो इस ओरिजिन के डायगनली अपोजिट एक पॉइंट लें, तो फिगर से हमें थोड़ा समझ में आ रहा है कि दिस वुड बी द डायगनली अपोजिट पॉइंट, राइट? और इसका जो कोऑर्डिनेट होगा मे बी वो एक्स वन कॉमा वाई वन कॉमा जेड वन, ठीक है? ओ से पी को ज्वाइन कर दिया। छोटी लाइन दिख रही है लेकिन थ्री डायमेंशन में ये सबसे बड़ी लाइन होगी, डायगनली ऑपोजिट। इज दिस क्लियर द फिगर हियर? यस सर अब हम क्या कर रहे हैं कि हमें पता है कि डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं। डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा, जिनको हम बोलते हैं एल एम और एन। तो अगर हम यहाँ पर सपोज करो कि एक्स एक्सिस के साथ या वाई एक्सिस के साथ मान लो इसका एंगल देखते हैं, दैट इज बीटा, तो कॉस बीटा क्या होगा, विच इज एक्चुअली एम। तो कॉस बीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस जो होगा वो यहां से लेके यहां तक की लेंथ होगी, मतलब अलोंग द वाई ये बेस होगी, एंड दिस इज वाई वन। क्योंकि अगर हम अलोंग द वाई इसका लेंथ देखें तो वाई वन माइनस जीरो दैट विल बी वाई वन होगा, तो दिस इज द बेस। और अगर हम हाइपोटेन्यूज इसका देखें, दिस इज वाई वन माइनस जीरो, और अगर हम इसका हाइपोटेन्यूज देखें तो वो ओपी लेंथ होगा, एंड ओपी लेंथ इज नथिंग बट रूट ओवर एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर प्लस जेड वन स्क्वायर, जो भी लार्जेस्ट डायगनल है उसका लेंथ, एक्स वन स्क्वायर वाई वन स्क्वायर प्लस जेड वन स्क्वायर। माइनस जीरो में हटा ही देता हूँ, वाई वन माइनस जीरो की जगह वाई वन लिख देता हूँ। तो एम ये है, एन विच इज एक्चुअली कॉस गामा, तो उसको जब निकालेंगे तो जेड एक्सिस के साथ, तो जेड वन बाई रूट ओवर एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर प्लस जेड वन स्क्वायर हो जाएगा। एल देंगे कॉस अल्फा जो एक्स एक्सिस के साथ है, एक्स वन अपॉन एक्स वन वहां पे बेस हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज तो हर केस में वही वाला डायगनल हो रहा है जो सबसे लार्जेस्ट डायगनल है। अब दोनों तीनों को हम स्क्वायर करके ऐड करेंगे, तो कैन यू सी हियर तीनों का जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर प्लस जेड वन स्क्वायर हो जाएगा, रूट हट जाएगा, और ऊपर में क्या आ रहा है वाई वन का स्क्वायर प्लस जेड वन का स्क्वायर प्लस एक्स वन का स्क्वायर, तो इवेंचुअली जो ऊपर में आ रहा है जो नीचे आ रहा है सेम है, सो कैंसिल होके वन आ गया, दिस इज द प्रूफ। Is this clear? Yes, sir. Done, sir. अच्छा, एक चीज और जो होती है वो होती है डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन रेशियो क्या होता है? डायरेक्शन कोसाइन तो यूनिक होता है लेकिन जो डायरेक्शन रेशियो होता है वो यूनिक नहीं होता है, वो इनफाइनाइट हो सकता है। जैसे मान लो तुमने लिया वन बाई टू, वन बाई रूट टू कॉमा माइनस वन बाई टू, तो दिस इज अ सेट ऑफ डायरेक्शन कोसाइन। व्हाई दिस इज अ सेट ऑफ डायरेक्शन कोसाइन? क्योंकि तुम अगर तुम इसको
स्क्वायर करके ऐड करते हो, 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/√2 का स्क्वायर प्लस माइनस 1/2 का स्क्वायर, तो यू विल गेट 1/4 प्लस 1/2 प्लस 1/4 विच विल बी फाइनली 1। तो एल स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर 1 हो रहा है, इसलिए ये डायरेक्शन कोसाइन का सेट है। अगर हम इसके प्रोपोर्शनल में कोई भी वैल्यू ले लें तो डायरेक्शन रेशियो बन जाएगी। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं 1, √2, -1, तो दिस इज द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द सेम लाइन जिसका ये डायरेक्शन कोसाइन है। या हम ले लेते हैं 3, 3 लाने के लिए हमने 6 से मल्टीप्लाई किया होगा और ये हो जाएगा 3√2, -3, ये भी डायरेक्शन रेशियो होगा। तो डायरेक्शन रेशियोज कैन बी इनफाइनाइट इन नंबर। तो अगर एल एम एन डायरेक्शन कोसाइंस है तो के एल के एम के एन आर कॉल्ड द डायरेक्शन रेशियोज एंड के शुड नॉट बी इक्वल टू 0 ऑफ कोर्स, अदरवाइज के को तुम कोई भी रियल नंबर ले सकते हो एक्सेप्ट 0। जीरो ले लोगे तो तीनों जीरो बन जाएगा, फिर प्रोपोर्शनल नहीं रहेगा। जनरली इसको हम ए बी सी से दिखाते हैं, ए बी। सो व्हाट हैपेंस दैट द डायरेक्शन कोसाइन अपॉन डायरेक्शन रेशियो जो हमारे पास होगा दैट इज एक्चुअली सम कांस्टेंट, और ये कांस्टेंट अदर देन जीरो हम कुछ भी ले सकते हैं। इज दिस क्लियर? यस। प्लीज नोट दिस डाउन। A vector R has length 21 and direction ratios 2, -3, 6. Find the वेक्टर आर। एक और क्वेश्चन है, फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स its direction ratios 4, -3, 5 and 3, 4, 5. Try these two questions. There is a call coming, so I will just
42i-63j126 थे सक्षम, यह आंसर सही तो लग नहीं रहा है मुझे, क्योंकि तो इसका डायरेक्शन रेशियो अगर 2-3/6 है तो इसके डायरेक्शन कोसाइन को निकालने के लिए हम क्या कर रहे होंगे। ओके, द आंसर हैज कम फ्रॉम अभिनव ऑल्सो, लेट अस सी। तो इसको सबसे पहले इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो दिस विल बी 4 प्लस 9 प्लस 36 विच विल बी √49 विच इज 7। सर ये 2/7 माइनस हाँ, तो 2/7 i कैप -3/7 j कैप हाँ सिक्स बाय प्लस सेवन k कैप, ये एक्चुअली हो गया यूनिट वेक्टर, दिस इज द यूनिट वेक्टर अलोंग r। तो उसके बाद अगर हम लेंथ 21 मान रहे हैं तो हम क्या करेंगे कि 21 से उस यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 21 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 i कैप हो जाएगा, -9 j कैप हो जाएगा, प्लस 18 होगा k कैप, दिस विल बी योर आंसर। इज दिस ओके? तो अभिनव ने तो सही बताया था, सक्षम ने बहुत बड़ी वैल्यू ले ली, पता नहीं क्यों इतनी बड़ी वैल्यू ली, लगता है तुमने 21 से मल्टीप्लाई कर दिया, उसको यूनिट में चेंज नहीं किया था ना। हाँ लगता है सही है, तो डायरेक्ट 21 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे ना, पहले उसके करस्पॉन्डिंग यूनिट वेक्टर निकालेंगे। ओके सर। नेक्स्ट क्वेश्चन करो।
सॉरी देर वॉज एन अर्जेंट कॉल विच आई हैड टू रिसीव। तो अब दूसरा वाला जो क्वेश्चन है उसका आंसर किसी ने किया है कॉस थीटा हाफ, अभी लोग कह रहा है। तो बेसिकली ये जो एक वेक्टर है तुम्हारे पास, वो एक वेक्टर है फोर आई कैप माइनस थ्री जे कैप प्लस फाइव के कैप, ठीक है। डायरेक्शन रेशियो से क्या मिलता है हमें, कंपोनेंट्स मिलते हैं उस वेक्टर के। और जो दूसरा है वो है थ्री आई कैप प्लस फोर जे कैप प्लस फाइव के कैप। और अब अगर हम एंगल निकालना चाहते हैं तो हम कैसे निकालते हैं एंगल, डू यू रिमेम्बर बिटवीन वेक्टर्स, कॉस थीटा इज ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ ए इनटू मॉड ऑफ बी, दिस इज हाउ वी गेट द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो इसका जब ए डॉट बी करोगे तो यू कैन सी ये 12 माइनस 12 प्लस 25 आ जाएगा, क्योंकि आई डॉट आई 1 होगा, जे डॉट जे 1 होगा, के डॉट के 1 होगा, वेयर एज आई डॉट जे या जे डॉट के या के डॉट आई 0 होगा। नीचे में मॉड लोगे तो इसका मॉड आ जाएगा रूट ओवर 16 प्लस 9 25 प्लस 25 50, और दूसरे का भी रूट 50, तो दैट विल बिकम 50, दिस इज फाइनली हाफ, दैट इज करेक्ट आंसर। सो द एंगल इज 60 डिग्री। सर हाँ सर, अभी तो आपने ऊपर वो वेक्टर निकालने के लिए वो बताया था कि उसका मॉड निकाल के उससे डिवाइड कर देंगे तो वो यूनिट वेक्टर मिलेगा, दैट विल बी अ यूनिट वेक्टर। अभी हम यहाँ पे यूनिट वेक्टर नहीं ले रहे, कोई भी जनरल वेक्टर ले रहे हैं, क्योंकि इवेंचुअली कॉस थीटा के फॉर्मूले में ए बाई मॉड ए तो करते ही है, बी बाई मॉड बी भी करते हैं, तो हम वही तो कर ले रहे हैं। इज इट क्लियर? तो सर इसको ऐसे भी कर सकते हैं, यूनिट वेक्टर ऑफ ए इनटू यूनिट वेक्टर ऑफ बी, कर सकते हैं। मतलब अगर हम इसको इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करने के बाद यूनिट वेक्टर निकाल के करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, दैट विल आल्सो गिव द सेम आंसर, कॉस थीटा इज यूनिट वेक्टर ऑफ ए और यूनिट वेक्टर ऑफ बी, वही चीज है, ए बाई मॉड ए इज यूनिट वेक्टर ए, बी बाई मॉड बी इज यूनिट वेक्टर बी। ओके सर, इरेज कर दूं? एक सेकंड। डन सर। ओके। वन क्वेश्चन इज द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ टू वेक्टर्स आर 2:1:k एंड k:2 माइनस 3:5 इफ दे आर परपेंडिकुलर फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अदर क्वेश्चन सेज the angle made by the vector as in direction ratios root over 74:-5:1 with the positive direction of y axis
इज फिल इन द ब्लैंक्स। ट्राई दीज टू क्वेश्चंस। पारस का कॉल आया था तो मैंने उससे तो बोल दिया कि तुम्हारी इस बिहेवियर की वजह से हम लोग आगे का प्रोसेस नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन वो इंसिस्ट कर रही थी तो मैंने कहा कि बस सतीश सर से बात करो, उसके बाद ही कुछ होगा। K की वैल्यू सक्षम क्या आ रही है? 3/7। ओके लेट अस चेक, डू नेक्स्ट क्वेश्चन आल्सो, फिर दोनों एक साथ डिस्कस करते हैं। अब अभिनव, व्हाट इज योर आंसर? अगर दोनों का डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है और दोनों अगर परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए, बिकॉज डॉट प्रोडक्ट तो कॉस थीटा जो आता है वो तो थीटा 90 डिग्री है, तो कॉस 90 डिग्री इज एक्चुअली जीरो। तो जब तुम डॉट प्रोडक्ट करोगे तो 2 will be multiplied with k, -3 with 1 एंड 5 with k, this is equal to 0. यहाँ से 7k is equal to 3, so k is equal to 3 by 7. बस यही है, ठीक है सक्षम। दूसरे वाले का आंसर बताना।
For the next question also I think someone has answered question 2 pi by 3, okay. So angle made by the vector having direction ratios with the positive direction of y axis, right? So cos of beta jo hoga wo hoga minus 5 upon root over 74 का स्क्वायर प्लस माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। आई होप ये बात सबको समझ में आ रही है ना। अभिनव इज इट क्लियर? यस सर। ये हो जाएगा माइनस 5 5 24 25 और 100 हो जाएगा। इस 10 माइनस हाफ देगा दैट इज 2 पाई बाय 3 व्हिच इज 60 डिग्री। करेक्ट आंसर 60 नहीं सॉरी 120। तो आज हम लोग ज्यादा लंबी क्लास नहीं रख रहे हैं, लाइक 1 आवर ही रख रहे हैं। और क्योंकि एक तो लग रहा है सबका टेस्ट वगैरह भी चल रहा है जिसकी वजह से काफी बच्चे आज प्रेजेंट नहीं है। सक्षम अभिनव आर ओनली प्रेजेंट टुडे। सो वी विल कंटिन्यू विद 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री इन द नेक्स्ट क्लास ऑल्सो। And I would advise you to go through the further theory of equation of line, equation of plane, so that जब हम करेंगे ना तो थोड़ा सा जल्दी समझ में आ जाएगा और फिर उसका application पे हम लोग ज़्यादा focus करेंगे। Now I think your board exam or pre-board exam first term is probably in October, right? Or November? Sir, December. फर्स्ट टर्म दिसंबर में, बोर्ड तो 3rd दिसंबर से। अच्छा, और ये 10th वालों का नवंबर से है ना? यस सर। तो तुम्हारा डेट शीट आ गया है? यस सर। मैथ्स कब है? एक मिनट। वैसे फर्स्ट टर्म में तो बस फर्स्ट बुक आ रही है ना, सेकंड बुक तो आ नहीं रही है। हां सर, बस फर्स्ट बुक और लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग तो हम लोगों ने कर लिया सर। 6 दिसंबर। 6 दिसंबर तो 2 दिन का गैप होगा प्रिपरेशन के लिए। यस सर। ठीक है, इतना काफी है। फर्स्ट बुक को अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, लीनियर प्रोग्रामिंग को भी, और 2 दिन में उसको रिवाइज कर सकते हो। फॉर्मूले वगैरह एक जगह लिख के रखना, जैसे कुछ कॉन्सेप्चुअल चैप्टर जो है ना, स्टार्टिंग के रिलेशन फंक्शंस और फिर लाइक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जिसमें थोड़ा सा क्वेश्चन आसान होता है लेकिन अगर थ्योरी अच्छे से पढ़ी हो तो। जिस जिस चैप्टर की थ्योरी डिफिकल्ट होगी उससे क्वेश्चन डिफिकल्ट आता है, आसान आता है, और जिसकी थ्योरी आसान होती है उससे क्वेश्चन डिफिकल्ट आता है। तो जनरली इनवर्स वो लोग छोड़ देते हैं सर, इसलिए कि उन्हें लगता है कि डिफिकल्ट है, लेकिन उससे क्वेश्चन आसान आते हैं। इससे कोई भी पार्ट छोड़ना नहीं, सारे पार्ट करना है। ओके सर।